संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने ये सब तरीके की दालों को भिगाया है, जिसके अंदर है ये धुली मूंग, लाल मसूर और चने की दाल। इसको मैंने रात भर भिगा के रखा और अब मैंने इसको एक अच्छे पानी से धो लिया और इसका पानी बिल्कुल साफ निकल आया। और अब मैं आपको दिखाऊंगी दाल की बहुत ही अच्छी डिश जो बिना ऑयल के बनेगी। तो हम बनाने जा रहे हैं मल्टीग्रेन अप्पे दालों के साथ, पूरा प्रोटीन से भरपूर नाश्ता बिना तेल के। और मैं आपको एक और रेसिपी इसके अंदर बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं इस दाल को ग्राइंड करती हूँ और फिर हम मिलते हैं। तो देखिए मैंने दाल पीस के कर ली तैयार और अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल के अप्पे। तो मैं ये थोड़ी सी दाल लूंगी और बाकी दाल का मैं आपको दूसरी बढ़िया रेसिपी बना के दिखाऊंगी। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन और जीरा, दोनों ही चीज। और थोड़ी सी डालूंगी इसके अंदर लाल मिर्च और हम डालेंगे नमक। और साथ में मैं डाल रही हूँ ये थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको फेंट देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है तो मैं इसको इसी प्रकार से रहने देती हूँ। और ये मेरे अप्पे का बर्तन है, इसके अंदर मैं करूंगी ऑयलिंग। और देखिए मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर ये थोड़ा सा मैगी मसाला, जो ये मैजिक मसाला होता है, इससे भी बहुत ही लाजवाब स्वाद आएगा। तो ये मेरा प्यारा सा बैटर हो गया तैयार। और अब मैं क्या करूँगी, ये अप्पे पैन में मैं थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग सभी में कर दूंगी, कोई सा भी मिस नहीं होना चाहिए हमारा। ये देखिए ये सारे मेरे अप्पे के मोल्ड्स हो गए ग्रीस्ड इस प्रकार से, ये देखिए। और अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर डालूंगी थोड़ी थोड़ी सी राई, ये देखिए। इससे क्या होगा, जब ये सिकेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये टेस्ट आएगा। आपको पता है साउथ इंडियन कोई भी डिश हम बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ये मैं डाल दूंगी हरा धनिया, ये देखिए हरी मिर्च, किसी में कड़ी पत्ता आएगा, किसी में हरी मिर्च आएगी, कुछ इस प्रकार से। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और वहाँ पे इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर मैं डालूंगी इसके अंदर इनो फ्रूट सॉल्ट। मेरा ऑयल अब पेपर के पैन में हो रहा है और मैंने ये डाल दिया इनो फ्रूट सॉल्ट और मैं इसके ऊपर डालूंगी जरा सा पानी ताकि एक बढ़िया रिएक्शन हो जाए। आप देख सकते हैं बढ़िया रिएक्शन। और अब हमें रुकना नहीं है, हमें इसको झटपट इस तरह से, देखिए बैटर को घुमाना है। उधर मेरे पैन में आप देख सकते हैं राई बिल्कुल गर्म हो गई है और बैटर कर रही है। और अब मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर झटपट बनने वाला ये नाश्ता, और सबसे बड़ी बात है बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो ये देखिए ये दाल के हैं अप्पे, बहुत ज़्यादा नहीं फूलेंगे लेकिन सॉफ्ट हो जाएंगे।
बिल्कुल सॉफ्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे मोल्ड्स को भर दिया। थोड़ी सी दाल से बनके होंगे ये तैयार और मैं अब इसको ढक दूंगी। फ्लिप करेंगे इसको तो ये ऑयलिंग बहुत जरूरी है। और अब नाइफ की मदद से हम इसको धीरे से पलटते जाएंगे। इस तरह से सारे अप्पों को हम पलट देंगे। ये देखिए बढ़िया सिक्के हो गए तैयार। अब हमें दूसरी तरफ से भी इतना ही अच्छा बनाना है ताकि हमारी दाल भी अच्छे से कुक हो जाए और बिल्कुल धीमी आंच पे। और आप देख सकते हैं थोड़े से ऑयल से कितने बढ़िया ये हो गए तैयार। एक आध अप्पे आपके चिपक भी सकते हैं पर कोई बात नहीं, आप उसको नाइफ की मदद से इस तरह से छुड़ा लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये दाल का नाश्ता? हेल्दी है ही और साथ में है ऑयल फ्री। अब ये देखिए दाल के अप्पे तो मैंने बना लिए। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इसके अंदर बाकी की दाल में डाल रही हूँ ये सब हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़े से कड़ी पत्ते। बाकी कड़ी पत्ते हम एक पैन में जब फ्राई करेंगे तब रखेंगे। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ, दाल ढोकला। सिंपल बड़ी अच्छी सी रेसिपी। और मैंने ये दो एक साइज की कटोरी ले ली है। इसको मैं इस तरह से ग्रीसिंग कर लूंगी, इसकी सब तरफ से। ग्रीसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा चिपक सकता है। मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी उबलने रख दिया और जाली के ऊपर मैं रखूंगी ये मेरे दाल के ढोकले बनने के लिए। आप चाहें तो आप इसको इडली में भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं अब डाल रही हूँ ये इनर फ्रूट सॉल्ट। आप इसके अंदर बेकिंग सॉल्ट भी डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इनो डाला है और बस इस तरह से थोड़ा सा इसका रिएक्शन। मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा और थोड़ा सा सूखा धनिया। आप चाहें तो इसके अंदर टाटरी भी डाल सकते हैं। तो देखिए अब हम वेट नहीं करेंगे, इस तरह से ये मेरा मोल्ड में जाने के लिए बैटर हो गया तैयार। और मैं इसको अब डालूंगी इस मोल्ड के अंदर। बस हमें ज़्यादा नहीं भरना क्योंकि ये थोड़ा सा फूलेगा। दाल है, बेसन का नहीं है, इससे शायद ज्यादा ना फूले लेकिन जाली इसके अंदर जरूर अच्छी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से करके मैं डाल के थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लूंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। और अब एक तरफ मैंने कढ़ाई में रखा है पानी और इसके अंदर मैं रखूंगी ये छन्नी। और छन्नी के अंदर मैं रखूंगी ये अपनी कटोरियां स्टीम होने के लिए। और इसको मैं ढक लूंगी एक बड़ी थाली से। ये थाली ऐसी होनी चाहिए कि स्टीम बाहर ना आए। बस इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे जब तक कि स्टीम में अच्छे से हमारे दाल ढोकले तैयार हो जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद, जब तक मैं करूंगी अप्पे की प्लेटिंग। तो देखिए मेरे अप्पे हो गए बढ़िया तैयार।
और अब मैं करूंगी इसकी प्लेटिंग। आप देख सकते हैं खुद ब खुद ये सारे अप्पे छूट जाएंगे और बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनके हो गया तैयार। ये देखिए है ना अच्छा नाश्ता। तो आप इसको जरूर ट्राई करिए और खाइए इसको सॉस और चटनी के साथ। मैं थोड़े से करी लीव्स इसके अंदर भी डाल देती हूँ। बिलीव मी इट्स अ वंडरफुल टेस्टी ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब बनके हुआ है तैयार। डू गिव इट अ ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपको दाल ढोकला बाद में दिखाती हूँ। गैस मैंने कर दी है बंद और अब मैं इसमें डाल के देखूंगी। ये देखिए बिल्कुल क्लीन ये हो गए हमारे बढ़िया दाल ढोकले तैयार। तो मैं क्या करूंगी, ये गरम है, मैं इस तरह से इसको ले जाऊंगी टेबल पे और चलिए हम मिलते हैं टेबल पे। देखिए मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा लूज करूंगी और इसको धीरे से पलट दूंगी। वाओ आप देख सकते हैं बढ़िया दाल ढोकला हो गया तैयार। और ये ब्रेकफास्ट जो आज मैंने आपको दाल के बताए हैं ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। ये देखिए है ना सुंदर। और अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे और मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, राई और कड़ी पत्ता हरी मिर्च डाल के मैं इसको हल्का सा शैलो फ्राई करूंगी। प्योरली ऑप्शनल है, ये ऑलरेडी तैयार है, आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं करती हूँ इसके थोड़े से पीसेस। अपने मन चाहे पीसेस कर सकते हैं और आप देखिए कितना स्पंजी और बढ़िया बन के हुआ है तैयार। तो मैं इसके तीन पीसेस करूंगी इस प्रकार से। ये देखिए बढ़िया हमारा दाल ढोकला कितना प्यारा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इसको भी मैं इसी प्रकार से काट लूंगी। वाओ आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको थोड़ा ड्राई लगे तो आप पानी में चीनी डाल के भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। पर ये गुजरात में ज़रूर इस तरह से खाया जाता है लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में इसको ऐसे ही फ्राई करके चटपटा बना के खाएंगे। तो चलिए पैन का तेल हो गया गरम, हम चलते हैं अपने लास्ट प्रोसेस की तरफ। डालूंगी थोड़े से राई के दाने और मैं डालूंगी इसके अंदर ये हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और साथ में ही डाल दूंगी ढोकला। बहुत ही बढ़िया बन के होंगे तैयार और आप खाएंगे तो आप बेसन के ढोकलों को भूल जाएंगे। और आपने देखा ना कि मैंने मूंग की दाल को रात को भिगा दिया था उसी के अंदर लाल मसूर की दाल, चने की दाल सब उसी में। तो ये प्रोटीन है, साथ में आप डालिए इस तरह से सब ग्रीन जो आपके पास हो, हरी मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ता सब कुछ। बढ़िया ये हो गए तैयार। इस पॉइंट पे एक टिप आपको दे रही हूँ, अगर आपको इसको थोड़ा और स्पंजी बनाना है तो आप इसके अंदर हल्का सा पानी चीनी का डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये दाल ढोकले हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट वैसे ही बन के हो जाएंगे तैयार। तो आज का नाश्ता और ऑयल फ्री मैंने आपको बताया दाल के अप्पे और दाल के ढोकले।
तो चलिए अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो देखिए बढ़िया मेरे दाल ढोकले हो गए तैयार। मैं इसकी कर रही हूँ अब प्लेटिंग, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। इसके कई तरीके के प्रोसेस होते हैं ढोकला बनाने के लिए, और बेसन से भी हेल्दी है ये चने की दाल, धुली मूंग की दाल। तो आप इसको इस तरह से बनाइए, और मैं इस पर डालूंगी अब गार्निश करने के लिए थोड़ा धनिया पत्ती। वाओ, वाटर रेसिपी। और इसको भी आप खाइए सॉस और चटनी के साथ। तो देखिए मैंने बनाए ये दाल के अप्पे और दाल के ढोकले, दोनों ही चीजों को आप खाइए बढ़िया चटनियों के साथ, और मुझे बताइए आपको ये हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दिस हेल्दी इनोवेटिव टेस्टी इंस्टेंट रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।